हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष काक, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद। आजकल कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब, फाइब्रोस्कैन चीज़ क्या है, या फाइब्रोस्कैन टेस्ट क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है और किसको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइब्रोस्कैन है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो लिवर की फंक्शनिंग, लिवर के हेल्थ के लिए किया जाता है। ये एक बेसिक सा सिंपल सा प्रोसीजर है, जस्ट लाइक एक अल्ट्रासाउंड। एक मशीन आती है जिसको फाइब्रोस्कैन मशीन बोलते हैं, वो लिवर के ऊपर एक प्रोब घुमाया जाता है, जैसे एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब घुमाया जाता है, और हमें लिवर का फंक्शनिंग, मतलब लिवर का स्टिफनेस पता चलता है कि लिवर अंदर से कितना हार्ड हो रहा है। नॉर्मल लिवर सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ बीमारियाँ आती हैं, जैसे कोई अल्कोहल पीता है, किसी का फैटी लिवर है, या किसी को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, तो वो ये चीज़ें लिवर को धीरे धीरे डैमेज करती हैं, और इससे क्या होता है, लिवर हमारा स्टिफ होता है। और अगर ये प्रॉब्लम ऐसे चलता रहा, इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, या किसी ने अल्कोहल पीना बंद नहीं किया, तो ये आगे जाके सिरोसिस ऑफ लिवर बन जाता है। सिरोसिस ऑफ लिवर जो होता है, ये इरिवर्सिबल, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो वापस नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन जो रूटीन टेस्ट है हमारे, ब्लड टेस्ट हैं, या अल्ट्रासाउंड है, या लेबोरेटरी के टेस्ट है, LFT टेस्ट है, वो इस बीमारी को तब तक नहीं पकड़ पाते जब तक हमारा लिवर में सिरोसिस, मतलब एंड स्टेज प्रॉब्लम हो गया, मतलब कि रिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं हो पाता, उस स्टेज पे चला गया। तो यदि हमें जानना हो कि लिवर हमारा किस स्थिति में है, सिरोसिस तो नहीं हुआ, वो उसके सिम्टम आ जाएंगे, जॉन्डिस आ जाएगा, पेट में पानी भर जाएगा, खून की उल्टी आएगी, वो तो आ जाता है, रिपोर्ट में भी आता है, डॉक्टर भी देख के बताता है, या अल्ट्रासाउंड में भी आता है, लेकिन उससे पहले लिवर में फाइब्रोसिस तो नहीं चल रहा। फाइब्रोसिस मतलब लिवर में F0, F1, F2, F3, ये चार प्रकार का फाइब्रोसिस का स्टेज होता है। अगर ये हमें पकड़ना है तो उसमें ये फाइब्रोस्कैन टेस्ट का फ़ायदा आता है। तो बिफोर लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो, एंड स्टेज पे पहुंच जाए, हम पहले ही पकड़ सकते हैं कि इस व्यक्ति का लिवर डैमेज हो रहा है, फाइब्रोसिस में हो रहा है, या अर्ली सिरोसिस में हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को फ़ायदा ये होगा कि वो अपना ट्रीटमेंट कर सकता है। बाय चांस कई बार हम फाइब्रोसिस करके ये पकड़ लेते हैं कि लिवर जी F4 फाइब्रोसिस में हो गया है, फिर उसके ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें कई बार हेपेटाइटिस बी आता है, कई बार हेपेटाइटिस सी आता है, या कई बार मरीज का फैटी लिवर होता है, तो उनका फैट कम करने को एडवाइस करते हैं कि आप वेट कम कीजिए, फैट कम कीजिए, तो ये इनका फाइब्रोसिस आगे जाके रुक सकता है। या जिसका हेपेटाइटिस बी और सी है, उसका ट्रीटमेंट देके आगे का डैमेज रुक सकता है। या कोई अल्कोहल पीता है, उसको हम एडवाइस करते हैं कि आपका लिवर डैमेज हो रहा है, आप अल्कोहल बंद कीजिए, अगेन लिवर का डैमेज रुक सकता है। तो माय फ्रेंड्स, फाइब्रोस्कैन आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट एक लिवर का बन गया है। तो किसी को भी अगर हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस बी या सी है, फैटी लिवर है, अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं, ओबीस है, बॉडी वेट ज़्यादा है, या डायबिटीज़ कई सालों से है, तो उनमें पॉसिबिलिटी है कि लिवर फाइब्रोसिस में जा रहा है, और उसके लिए फाइब्रोस्कैन का टेस्ट हम रिकमेंड करना चाहेंगे। एंड दिस इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच।